दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज फुटबॉल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। वे आज अरबों के मकान में रहते हैं और करोड़ों की गाड़ियों पर सफर करते हैं। दोस्तों, आप इन्हीं बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितने सफल व्यक्ति बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस अद्भुत सफलता को हासिल करने से पहले वे एक छोटे से मकान में रहते थे, जहां उनको अपने बेडरूम को अपने भाई बहनों से शेयर करना पड़ता था। और बड़े ही कम उम्र में दिल की बीमारी के वजह से इन्हें हार्ट सर्जरी से भी गुजरना पड़ा। एक वक्त ऐसा भी आया जब रोनाल्डो को फुटबॉल और खतरनाक सर्जरी में से किसी एक को चुनना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डॉक्टर्स ने बताया था कि रोनाल्डो को दौड़ने और फुटबॉल खेलने की वजह से उनके जान को खतरा हो सकता है और इसके लिए उन्हें सर्जरी करानी पड़ेगी, जो सफल भी हो सकता है और असफल भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रोनाल्डो ने किसे चुना होगा? उन्होंने फुटबॉल को चुना और सौभाग्यवश उनकी सर्जरी भी सफल हुई। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि रोनाल्डो ने इन कठिनाइयों से कैसे लड़कर आज दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी बने, तो आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्षिता शुक्ला और आप देख रहे हैं सुपर इंस्पायरिंग स्पोर्ट्स चैनल। दोस्तों, मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आप भी रोनाल्डो की सफलता की कहानी जान सकें। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 फरवरी साल 1985 में पुर्तगाल के एक गरीब परिवार में जन्मे थे। इनके पिता का नाम जोस डेनिस अवेरियो था। इनकी माता का नाम मारिया डालोरेस डॉस सेंटोस अवेरियो था। इनके पिता एक माली थे और माँ दूसरों के घर में खाना बनाती थी। एक गरीब परिवार से होने के नाते उनके माता पिता उन्हें पढ़ा नहीं सके, लेकिन फिर भी उनके माता पिता ने एक स्कूल में इनका दाखिला दिलाया, परंतु टीचर के ऊपर एक कुर्सी फेंकने के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। बचपन से ही रोनाल्डो का फुटबॉल की ओर झुकाव था, इसलिए उन्होंने पढ़ाई में अपना मन नहीं लगाया और फुटबॉल में अपना करियर बनाने लगे। इसी जज्बे और लगन के कारण रोनाल्डो ने 16 की कम उम्र में ही पुर्तगाल के स्पोर्टिंग सीपी क्लब का हिस्सा बने और इसके बाद क्लब के लोगों ने इनके खेल से इतने प्रसन्न हुए कि इन्हें यू टीम का मैनेजर बना दिया। रोनाल्डो अपना पहला प्रीमियर लीग मैच साल 2002 में खेले थे। इस मैच में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए बहुत से फुटबॉल क्लब उन्हें अपने टीम का हिस्सा बनाना चाहते थे और इसी दौरान मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब 102 करोड़ रुपए की राशि को चुकाकर रोनाल्डो को अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। लोगों ने इस बात की खूब चर्चा की कि इतनी कम उम्र में ही इतनी अधिक राशि पाने के काबिल है या नहीं, लेकिन रोनाल्डो को अपने आप को इसके काबिल मानते हुए अपने आप को 2004 में एफए कप मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलकर 3 दागे और चैंपियनशिप अपने नाम की। इसके बाद वे मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब से 6 जुड़े रहकर 84 किए। इसी दौरान रोनाल्डो के पिता की शराब की लत की वजह से उनकी मौत हो गई। इससे रोनाल्डो को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनकी माता घर की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए दूसरों के घर में खाना बनाने लगी, लेकिन दुर्भाग्यवश 2 बाद ही 2007 में उनकी माता की मृत्यु कैंसर की वजह से हो गई। लेकिन रोनाल्डो इन मुश्किलों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दी, बल्कि इन मुश्किलों का बड़े ही सुंदर रूप से सामना किए। इसके बाद इन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को कुछ कारणवश छोड़ दिया। उसके बाद रोनाल्डो 2009 में स्पैनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड से जुड़ गए। इस क्लब ने उन्हें 850 करोड़ लगाकर उन्हें अपनी टीम में शामिल होने के लिए मना लिया।
दोस्तों हम आपको बता दें कि रोनाल्डो इतने पैसे अपने स्वार्थ पूरी करने के लिए या फिर ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए और ना ही अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए लेते हैं, बल्कि रोनाल्डो इन पैसों का सोशल वर्क्स में इस्तेमाल करते हैं। रोनाल्डो गरीबी को बहुत नज़दीकी से देखा है और यही वजह है कि गरीबी संबंधित सभी परेशानियों को जानते हैं और इसीलिए वे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। रोनाल्डो अपने इनकम का आधा हिस्सा समाज सेवा में लगाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड के बारे में। वैसे तो इनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस वक्त जॉर्जिना को डेट कर रहे हैं। अगर रोनाल्डो की नेटवर्थ के बारे में बात किया जाए तो इनकी एक्चुअल सैलरी है 52 मिलियन डॉलर्स और ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर वह 27 मिलियन डॉलर्स लेते हैं। उनका पेंट हाउस 7.2 मिलियन डॉलर्स तथा जेट 17 मिलियन डॉलर्स का है। उनकी नेटवर्थ 330 मिलियन डॉलर्स है। तो दोस्तों यह थी फुटबॉल के बादशाह क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। और अगला वीडियो किस खिलाड़ी के बारे में होना चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए एक लाइक तो बनता है ना। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।